जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई टीए आर्मी का तैयारी करते हैं वे सभी लोग काफी दिनों से बहुत बेसब्री से टीए भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टीए आर्मी का कुछ पता ठिकाना ही नहीं चल रहा था, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला जा रहा था। लेकिन अभी टीए आर्मी का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिस पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाया है। देखो ये वाला जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ना, इसमें बताया जा रहा है कि टी आर्मी की भर्ती 5 अक्टूबर से चालू हो जाएगी, और किन किन राज्य की भर्ती 5 अक्टूबर से चालू होंगी वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। और एक बात और बता दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि टी आर्मी की जितने भी भाई तैयारी करते हैं ना, उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया गया है, क्योंकि पहला नंबर तो उन लोगों का हाइट बहुत कम रहता है और टी आर्मी में हाइट 160 सेंटीमीटर मांगता है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर मांगता है और एज मांगता है 18 से लेकर 42 साल तक, ठीक है ना। अगर आप टी आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो टी आर्मी से भी पैरा कमांडो में जा सकते हो, वर्दी सेम इंडियन आर्मी जैसा ही रहता है, यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी लिखा रहता है क्योंकि मैं देखा हूँ, ठीक है ना। तो मिला जुलाकर अभी टी आर्मी का नोटिफिकेशन ये वाला जो निकाला गया है, तो इसमें पता है क्या लिखा गया है आप सभी लोगों को, जो भाई पहले से टी आर्मी का भर्ती देखते होंगे ना, उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि पहले जैसे टी आर्मी की भर्ती आती थी तो 10 या 15 दिन पहले एक लोकल न्यूज पेपर में निकाला जाता था, उस पर विश्वास भी नहीं होता था, मतलब दिमाग में ये भी चलता था ना कि भाई फर्जी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उसी न्यूज पेपर को देखकर वहां पर भर्ती देखने जाते थे और वो भर्ती सही भी हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नोटिफिकेशन निकाला गया ना, इसमें बताया गया है कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने के बाद आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, और जब आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी भर्ती पिथौरागढ़ में है या देवलाली में है या भुवनेश्वर में है या फैजाबाद में है, जैसे एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं होता था, तो भाई सिस्टम बदल भी सकता है, ठीक है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हो सकता है, जब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की हो सकती है, तो टी आर्मी का भी ऑनलाइन भर्ती हो सकता है। फिलहाल जो कुछ भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। और एक बात और बता दे रहा हूँ, देखो हमारे ग्राउंड से बहुत सारे भाई ऐसे पड़े हैं ना, जो अपने घर के वाले हैं, जिनके घर में खाने लायक नहीं है भाई, मतलब मिला जुला कर घर वाले बोल रहे हैं कि भाई अब भर्ती नहीं देखो, अब बाहर चले जाओ, कुछ पैसे कमाओ, लेकिन वो लोग सिर्फ टीए के भरोसे बैठे हैं। और कुछ लोगों के अंदर इतना जुनून है ना कि वो लोग हाइट नहीं है लेकिन वो लोग एनसीसी सी कर चुके हैं। और मैं आप लोगों से एक बात और बता दे रहा हूँ कि टीए आर्मी में एनसीसी नहीं लगता है। और एक बात और बता दे रहा हूँ, टीए आर्मी में अगर 10 फेल रहोगे 12 पास रहोगे तभी भी भर्ती देख सकते हो, ठीक है ना। पहले ये नोटिफिकेशन आप लोग देख लो, टीए आर्मी का पूरा नोटिफिकेशन जिसमें टीए भर्ती जोन 4 के बारे में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है जो बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा, तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और इसका ऑनलाइन 1 सितंबर 2022 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 7 सितंबर 2022 तक है। अब बात कर लेते हैं कि कहां पर कितना वैकेंसी है। देखो ये जो बेलगम दिया है ना, बेलगम का भर्ती 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में कराया जाएगा, और यहां पर जीडी के लिए 211 वैकेंसी है, क्लर्क के लिए 12 वैकेंसी है, चीफ कम्युनिटी के लिए 13 वैकेंसी है, वाशरमैन के लिए 9 वैकेंसी है, स्टेवर्ड के लिए 7 वैकेंसी है, और कारपेंटर के लिए 19 वैकेंसी है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर टीए आर्मी का 271 वैकेंसी सिर्फ बेलगम के लिए दिया है, लेकिन इतना वैकेंसी नहीं आता था यार इस नोटिफिकेशन में, जो कुछ भी दिया है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और यहां देखो नीचे दिया है, जैसे ये जो देवलाली है, मतलब ये भी जोन 4 में आता है, तो देवलाली के लिए मतलब इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में कराई जाएगी, और इसमें जीडी का मतलब 287 वैकेंसी है, क्लर्क का 56 वैकेंसी है, चीफ कम्युनिटी का 32 वैकेंसी है, और हेयर ड्रेसर का 23 वैकेंसी है, हाउस कीपर का 16 वैकेंसी है, और वाशरमैन का 21 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर देवलाली में मतलब 435 सीट है, ठीक है ना, मतलब जैसे टीए आर्मी में। अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद का, तो सिकंदराबाद की भर्ती 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में कराई जाएगी, और यहां पर जीडी में 198 सीट है, क्लर्क में 25 सीट है, चीफ कम्युनिटी में 9 सीट है, वाशरमैन में 11 सीट है, और हेयर ड्रेसर में 13 सीट है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे करके टोटल यहां पर 276 वैकेंसी है। तो ये तो बता दिया है कि मतलब कहां पर कितना वैकेंसी है। नीचे ये जो दिया है ना, ये भी टी आर्मी की भर्ती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स सर्विस मैन
वाले लोग जाएंगे। अब जिस भाई को एक्स सर्विसमैन के बारे में नहीं पता होगा वो लोग जान ले कि जो लोग पहले से इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, वो लोग रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये भर्ती कराई जाएगी, ठीक है ना। तो ये भर्ती भी देहरादून में, पिथौरागढ़ में, और ये भी जगह का नाम दिया है, तो यहाँ पर कराई जाएगी, इतने तारीख से कराई जाएगी। तो आप जो लोग पहले से इंडियन आर्मी में रहते होंगे उनको तो इनके बारे में अच्छी तरह से पता होगा, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जोन फोर्थ में कौन कौन सा राज्य आता है, और मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं ना कि टीए आर्मी में एज लगता है 18 से 42 साल तक, और इसमें हाइट लगता है 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हाइट बहुत कम लगता है और एज भी ज्यादा लगता है। अब देखो यहां पर दिया है जैसे जोन फोर्थ में कौन कौन सा राज्य आता है, तो आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, कर्नाटक आता है, और दादर एवं नागर हवेली आता है, गोवा आता है, दमन एवं दीप आता है, लक्षद्वीप आता है, और पांडुचेरी आता है। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा गया था मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूँ। वैसे टी आर्मी का पहले कभी भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टी आर्मी की भर्ती आए और आप लोगों को पता ना चल पाए। देखो भाई, इसमें 5 अक्टूबर से भर्ती के बारे में बताया गया है ना, पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है, तो इसमें सिर्फ फोर्थ जोन की भर्ती के बारे में बताया गया है, और फोर्थ जोन में कौन कौन सा राज्य आता है वो तो मैं आप लोगों को बताया ही हूँ। अब जिस भाई को ये नहीं पता होगा कि उनका राज्य किस जोन में आता है, तो वो कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपका राज्य, आपका जिला किस जोन में आता है, ठीक है ना। वैसे 5 अक्टूबर से बताया गया है भर्ती के बारे में ना, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखो मैं टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर गया हूँ, तो मैं क्या बताऊँ यार, आज का वीडियो मैं इसलिए लेट से मतलब अपलोड कर रहा हूँ ना, मैं सुबह से ही परेशान था, और जब से मैं टीए आर्मी का ये नोटिफिकेशन जैसे ही मेरे पास आया ना, तैसे ही जितने भी सर हमसे जुड़े हैं, मतलब जो लोग फौजी सर जुड़े हैं, जितने भी मतलब अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, उन लोगों से मतलब कन्फर्म किया हूँ, फोन करके पूछा हूँ, तो वो लोग ऐसा ही बता रहे थे ना कि नीलेश देख, ये नोटिफिकेशन सही भी हो सकता है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। वैसे जैसे हम लोगों का भर्ती नवंबर में आया, तो नवंबर से एक महीना पहले अक्टूबर में टी आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन है, और जब 2019 में भर्ती आई थी ना, तो उस टाइम भी हम लोग का भुवनेश्वर में टी आर्मी का भर्ती जैसे सितंबर में था ना, तो सितंबर से एक महीना पहले, मतलब मान लो हमारा भर्ती अक्टूबर में था, तो अक्टूबर से एक महीना पहले टी आर्मी की भर्ती आई थी, तो हमें लगता है ये सही भी हो सकता है भाई। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई कन्फ्यूजन में छोड़ रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोगों को घर नहीं बैठना है, ये सोचकर चलना है कि अक्टूबर में भर्ती होंगी, ठीक है ना। तो मेरा बस यही उद्देश्य है, जितने भी भाइयों का हाइट कम है, जो लोग 5 साल 6 साल बर्बाद कर दिए हैं टीए आर्मी के पीछे, वो लोग अब जी जान से लग जाना, क्योंकि अक्टूबर में भर्ती कराई जा सकती है, और ये वाली जो भर्ती बताई जा रही है, जहां पर बताई जा रही है ना, मैं खुद वहां जाकर पता कर लूंगा, और वहां जाकर मैं आप लोगों को सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, मैं हूं ना यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अपना तैयारी शुरू रखो, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताएंगे ये फेक है, सही है, फेक है, सही है, तो थोड़ा नजदीक आने दो, आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखो, मैं सेंटर में जाकर पता कर लूंगा, ठीक है ना। इस पर मोबाइल नंबर अगर दिया होता तो मैं फोन करके पता कर लेता, लेकिन मैं जाकर पता कर लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है भाई, अपना तैयारी अपने हिसाब से चालू कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। आज का वीडियो बनाने में मेरा हालत खराब हो गया है भाई, गला भी बैठ गया है, और कम से कम मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा, ये वीडियो बनाने में कम से कम 4 घंटे लग गए हैं, ठीक है ना। मैं 5 बजे सुबह से इसके बारे में सर्च कर रहा था, मतलब शाम को भी सर्च किया, और क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा बहुत मैं क्या बताऊँ, हालत खराब हो गया है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं सेंटर पर जाकर पता कर लूँगा, ठीक है ना।